तो गाइस गेस करो, सोनू निगम का कॉन्सर्ट फाइनली आई अटेंडेड इट। इट वॉज अ ड्रीम एंड इट केम ट्रू। भाई बैक स्टेज जाके अटेंड किया तुम्हारे भाई ने, फोटो खिंचवा ली, मकसद पूरा हो गया यार जीने का। अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस। वेल सबसे पहले तो वेलकम टू द वीडियो एंड येस दिस इज़ माई वॉइस ओनली। और इस वीडियो में मैं सिर्फ एक वॉइस ओवर करने वाला हूँ, यहाँ पे वॉइस ओवर करके अपनी ये सोनू निगम जी से मिलने वाली जर्नी जो है उस एक्सपीरियंस को स्टोरी को आपको बताने वाला हूँ। लेट्स जस्ट गो टू द स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी। सबसे पहले जो अनाउंसमेंट हुआ था इस टूर का सोनू निगम जी का कि वो दिल्ली आ रहे हैं कॉन्सर्ट करने, ये मार्च या फिर फरवरी में अनाउंस हो गया था ये कि दिल्ली आ रहे हैं। एंड वन ऑफ माय ऑनलाइन फ्रेंड्स हरीशा, शी सेंट मी द पोस्ट कि सोनू निगम जी दिल्ली आ रहे हैं एंड आई गॉट वेरी एक्साइटेड। एंड इट वाज अ पेड कॉन्सर्ट। जब पेड कॉन्सर्ट होता है तो आप पैसे देके बहुत कंफर्टेबली एक कॉन्सर्ट एंजॉय कर सकते हो, बट फ्री कॉन्सर्ट्स में वो कम्फर्ट नहीं होता है। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। एंड अप्रैल में टिकट्स की सेल शुरू हुई तो मैंने सोचा कि यार अभी तो बहुत टाइम है यार, मई में है कॉन्सर्ट, अभी से टिकट लेके क्या करेंगे भैया, है पहले थोड़ी ना जाके हमें गेट खोलना है वहाँ जाके हॉल का। तो ये सोच के मैंने इग्नोर कर दिया और अगले दिन चेक किया तो पता चला भैया सोल्ड आउट, क्या मजाक है। तो आई गॉट वेरी डिसअपॉइंटेड कि यार शिट मिस कर दिया मैंने। सो देन आई वॉज लाइक कि अब तो कोई होप नहीं है। एंड देन आई गॉट टू नो कि मैं अकेला नहीं हूँ जिनका कटा है, सिर्फ मेरी ही टिकट्स सोल्ड आउट नहीं हुई हैं, हरीशा को भी टिकट नहीं मिली है और वो भी मतलब बिना टिकट के ही, यू नो शी वॉज सैड कि टिकट नहीं मिली हमें। एंड देन उन्होंने कहा कि हम दिल्ली आ रहे हैं, शी इज़ फ्रॉम गुजरात बेसिकली, तो वो दिल्ली आ रही है कॉन्सर्ट देखने। तो मैंने कहा कैसे आओगे तुम लोग, तुम्हारे पास तो टिकट नहीं है। एंड शी सेड कि वो सब वहीं देखेंगे। आई वॉज लाइक भैया इतना कॉन्फिडेंस कैसे है इनमें, कुछ तो होगा मतलब कुछ तो होगी रिलायबिलिटी कि ये आ रहे हैं यहाँ पे इतनी दूर से, कुछ तो होगा मतलब कॉन्फिडेंस। तो मैंने कहा भाई चलो हम भी आ जाएंगे कॉन्सर्ट वाले एरिया में, देखते हैं इसी बहाने मिलना हो जाएगा। एंड आई वेंट देयर और उस टाइम तक कोई अंदाज़ा नहीं था हमें कि एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या पता हम खाली हाथ ही घर लौट जाएं सिर्फ घूम घाम के ही। तो मैं तो उस दिन इसी एक्सपेक्टेशन के साथ ही निकला था घर से ज़्यादा क्या हो जाएगा कि सोनू निगम जी को देख लूँगा मैं बहुत दूर से, ये सोचा था मैंने। बट थैंकफुली एंट्री मिल गई, हरीशा एंड मनीषा जी ने अपनी चैट्स वगैरह दिखाई सोनू निगम जी के साथ और उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ किए, यू नो दे वर बिग पीपल, उन्होंने यूज़ किए अपने कॉन्टैक्ट्स और सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह को दिखाया उन्होंने कि देखो भैया हम बड़े आदमी हमें घुसने दो और उनको घुसने दिया और उनके साथ साथ मैं भी कट लिया पीछे पीछे। और उस वक्त भी मैं ये सोच रहा था कि क्या सच में सोनू निगम जी को देखने का मौका मिलेगा मुझे। वी वर ऑन द बैक स्टेज एरिया, मतलब प्रॉपर बैक स्टेज एरिया भी नहीं, वो एरिया होता है ना जहाँ पे आर्टिस्ट वगैरह रुके हुए होते हैं, वहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे कि सोनू निगम आएंगे और उनसे मतलब देख पाएंगे हम उनको। हमारे पास टिकट्स वगैरह कुछ नहीं थे तो हम लोगों को अंदर या फिर आसपास भटकने भी नहीं दिया जा रहा था, गार्ड्स वगैरह जो थे जो बाउंसर्स थे वो भगा ही दे रहे थे बाहर, तो हम लोग बाहर ही वेट करने लगे। तो हम वहाँ पे वेट कर रहे थे, देन केम सोनू निगम जी की गाड़ी एंड जो फर्स्ट साइट चेहरा जो देखने को मिला है उनका इतनी पास से, आई नेवर एक्सपेक्टेड टू सी हिम इतनी पास से, वो देख के यार मतलब ऐसा लगा कि भाई साहब देर इज़ सम करिश्मा, देर इज़ सम ऑरा, जिस डिसिप्लिन के साथ, जिस कामनेस के साथ, जिस पीस को वो लेकर चलते हैं अपने साथ, रियाज करते हैं यार तानपुरा की साउंड लेके चलते हैं वो अपने साथ, देख रहे हो म्यूज़िक को अपने से एक पल के लिए भी दूर नहीं रखते हैं वो, दैट काइंड ऑफ अ आर्टिस्ट ही इज़। आ जाओ मेरे साथ।
लकड़ी चाहिए यहाँ पे। सारा सारा जी मैं मैनेजर हूँ। ये ब्लैक शर्ट गुरु ने सर में हाथ रखा मेरे एंड आई फेल्ट दैट मैन, एक अलग ही पॉजिटिविटी का एहसास हुआ मुझे उस टाइम पे। इस टाइम पे मैं सोच रहा था कि इतना बड़ा लेजेंड मेरे सामने खड़ा हुआ है, मैं क्या बोलूँ उनसे, क्या ऐसा बोलूँ मैं उनसे। तो वो जो दिमाग में जो युद्ध चल रहा था ना मेरे, वो जब ख़त्म हुआ तो मेरे मुँह से निकला ये, सर बिग फैन सर। Oh my god! मतलब देख रहे हो, हमने एंट्री तक का नहीं सोचा था कि एंट्री भी हो पाएगी और यहाँ पे हम खड़े हैं सोनू निगम जी के साथ। फाइनली दिस वॉज द मोमेंट दैट इज परमानेंटली गोइंग टू बी देयर इन माई माइंड फॉर एवर, लाइक मैं कभी नहीं भूलने वाला। ये एक ऐसी अचीवमेंट है जो बहुत मायने रखने वाली है मेरे लिए ज़िंदगी भर। के सर के बाद मेरे लिए सोनू निगम जी वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन म्यूज़िक इंडस्ट्री। तो अब के सर से तो मिलना नहीं हो पाया, बट एटलीस्ट सोनू निगम जी से मिलने का मेरा सपना था वो पूरा हो गया। फ़ोटो खिंचवाई और बोल तो पाए नहीं हम कुछ, बट हाँ उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ जरूर रखा था। एंड दैट वाज इनफ, दैट वाज रियली इनफ फॉर मी। इट दिस वाज अ टोटली अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस जो हुआ मेरे साथ। और उस टाइम भाई साहब फ़ोटो खिंचवाते वक्त मेरे पास हेलमेट था मेरी बाइक का, जो इतनी जल्दी जल्दी में थे हम लोग कि वो हेलमेट लेके मैं चला गया अंदर भाई साहब फ़ोटो खिंचवाने के लिए। कहाँ रखूँ हेलमेट कुछ पता नहीं, कुछ होश नहीं उस टाइम पे, बस फ़ोटो खिंचवानी थी ये था। उस टाइम मुझे पता नहीं था मेरे हाथ में क्या है, कौन है साथ में, क्या है, बस सोनू निगम जी दिख रहे थे उस टाइम में बस। एंड देन उसके बाद वी वर नॉट श्योर कि हमें कॉन्सर्ट देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एंड देन हरीशा जी एंड मनीषा जी जिनके साथ था मैं, इन्होंने अपनी पावर्स का फिर से इस्तेमाल किया एंड ग्लैडली वी गॉट टू द बैक स्टेज एरिया इन साइड द हॉल जहाँ पे परफॉर्मेंस हो रही थी, और वहाँ पे बैठ के हमने पूरा कॉन्सर्ट इन्जॉय किया। एंड दैट्स वॉट यू वॉन्ट फॉर फ्री, राइट? तो दिस इज़ हाउ इट वॉज एंड ये थी मेरी स्टोरी, और जस्ट यू कैन सी वॉट हैपेंड। Woo!